अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा बच्चों, आज का हमारा थर्ड चैप्टर का टॉपिक है फोर्स एंड द मोमेंटम। इस टॉपिक में हम दो चीज़ों का ताल्लुक बनाएंगे, एक फोर्स और दूसरा मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम का आपस में क्या कायम करेंगे, हम एक रिलेशन कायम करेंगे। अब इसमें देखें किस तरह से हम ये सारा काम करेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बॉडी है, कोई जिसम है जो क्या कर रहा है, फ़र्ज़ कीजिए कोई बॉल है, कोई बॉडी है जो कि इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी को किससे ज़ाहिर करते हैं, वी आई के साथ। फ़र्ज़ कीजिए ये बॉल था, ये एक मैस था जो कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई से हरकत करता हुआ आ रहा था। अगर इसके ऊपर क्या एग्जर्ट की जाए, इसके ऊपर एक फोर्स लगा दी जाए, ये पहले भी हरकत करता हुआ आ रहा है, हम इसके ऊपर क्या मजीद लगाएं, एक फोर्स अप्लाई करें, तो क्या नतीजा निकलेगा, इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, क्या क्या आएगा, तब्दीली आएगी, चेंज आएगा। यही वेलोसिटी उसकी वी आई से क्या बन जाएगी, जब हम इसके ऊपर इसके सफ़र के दौरान हम इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेंगे इसी मैस के ऊपर, तो थोड़े से टाइम के बाद हमें इसी मैस की वेलोसिटी क्या दिखेगी, चेंज दिखेगी। चेंज मतलब इनिशियल से अब वो क्या हो गई है, फाइनल वेलोसिटी हो गई है। क्या मतलब सीन, कि एक मैस है, एक बॉडी है जो कि इनिशियल वेलोसिटी से हरकत करती हुई आ रही है, हमने रास्ते पे उस पर क्या एग्जर्ट की, ऑन इट्स वे हमने उसके रास्ते में उस पर क्या अप्लाई की, एक फोर्स अप्लाई की, और उस फोर्स के नतीजे में उसका मैस चेंज नहीं हुआ। एक बॉल हो, अगर उस पर हम फोर्स मजीद लगाएं तो उसका मैस तो चेंज नहीं होता, उतना ही रहता है। क्या चीज़ चेंज हो जाती है, वेलोसिटी। तो उसकी वेलोसिटी बदल के वी आई से बदल के क्या बन गई है, वी एफ, फाइनल वेलोसिटी होगी। अब ज़रा हम इनके मोमेंटम्स का जायजा लें। मोमेंटम्स हमने पढ़ा था, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन है जो किसके पास है, बॉडी के पास है। और ये किस वजह से होता है, मोमेंटम पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। अगर किसी जिस्म के पास मैस और वेलोसिटी दोनों चीज़ें हों तो उसका मतलब उसके पास क्या चीज़ है, मोमेंटम है। मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मोमेंटम आ जाता है। अगर मैं यहाँ इसका मोमेंटम देखूँ, इस जगह इसका मोमेंटम देखूँ, तो क्या चेंज नहीं है मोमेंटम में, क्या मोमेंटम में तब्दीली आई है कि नहीं आई, कैसे चेंज आया है, मैस तो नहीं बदला लेकिन क्या चीज़ बदल चुकी है, वेलोसिटी। तो चाहे मैस बदले चाहे वेलोसिटी बदले, दोनों में से एक चीज़ तो चेंज हुई है, तो इसका मतलब क्या चीज़ चेंज हुई है, मोमेंटम चेंज हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसका क्या लिखूँ, इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम कैसे आता है, मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अगर मैं इनिशियल सिचुएशन का मोमेंटम निकालूंगा, इनिशियल हालत में मोमेंटम कैलकुलेट करूंगा, तो मोमेंटम को किस सिंबल से जाहिर करते हैं, पी के साथ, साथ में क्या आ जाएगा, इनिशियल। इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो क्या आ गया, एम वी आई। इसी तरह अगर हम फाइनल सिचुएशन को देखें, फाइनल हालत को देखें, तो क्या चीज़ चेंज हुई है, वेलोसिटी। इसका मतलब मोमेंटम चेंज हुआ है, चाहे मैस चेंज हो चाहे वेलोसिटी चेंज हो, कोई एक चीज़ चेंज हो गया तो मोमेंटम चेंज हो गया है। तो क्या लिखूंगा मैं, फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होगा बेटे, पी, और साथ यहाँ क्या आ जाएगा, एफ। फाइनल मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा, मैस तो वही है लेकिन चीज़ क्या चेंज हो गया, वेलोसिटी। ये क्वेश्चन नंबर वन, ये क्वेश्चन नंबर टू। टॉपिक सेन में रखिए, हमें इस टॉपिक में फोर्स और मोमेंटम का ताल्लुक बनाना है, एक ऐसा फार्मूला जिसमें फोर्स भी आती है और मोमेंटम। फिर इसकी एग्जांपल्स भी स्टडी करेंगे कि ये कहाँ कॉन्सेप्ट लगता है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई होता है, फोर्स एंड द मोमेंटम। बड़े आसान सा ये देखिएगा एग्जांपल्स, आपको फौरन से समझ आ जाएगी। अच्छा अब क्या करें, पहले तो रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर टू में से अगर इक्वेशन नंबर वन को माइनस कर दिया जाए, सबट्रैक्ट कर दिया जाए, तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में से माइनस राइट साइड, क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, वन फ्रॉम इक्वेशन टू। टू में से किसको माइनस कर दीजिए, वन को, इसका मतलब पी एफ टू पहले आएगी और कौन आएगा बाद में, वन। पी एफ माइनस पी आई, यहां क्या आएगा, टू पहले, एम वी एफ माइनस एम वी आई। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, थ्री।
पी एफ माइनस पी आई किसके बराबर आ गया, एम वी एफ माइनस एम वी आई। फाइनल मोमेंटम ये देखिए, इनिशियल मोमेंटम ये देखिए, दोनों के दरमियान क्या मौजूद है, माइनस मौजूद है। अगर हम दोनों साइड्स को, बोथ साइड्स को टाइम से टी से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मैथ्स में हम पढ़ते हैं बेटे, अगर किसी मसावात को लेफ्ट साइड और राइट साइड से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या सेम नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो इक्वेशन कोई असर नहीं पड़ता। क्या करूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट साइड को भी टी से डिवाइड और राइट साइड को भी किससे कर देता हूं, तो क्या लिखेंगे, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 3 सॉरी डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय टी ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन की दोनों साइडों पे किससे डिवाइड कर दो, टी के साथ, तो लेफ्ट साइड क्या बनेगी बेटे, पी एफ माइनस पी आई और बटे में क्या आ गया, ओवर टाइम। यहां क्या आएगा, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टाइम। राइट साइड पे कोई चीज कॉमन दिख रही है, राइट साइड में कोई चीज कॉमन नजर आ रही है आपको, इन दोनों के पास कोई चीज कॉमन है, सेम है, वो क्या चीज है, मैस। तो अगर मैं इसे मैस कॉमन कर लूं तो क्या बचेगा अंदर, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी ओवर टाइम। बताइए ये क्या चीज है, लेफ्ट साइड पे क्या रहा, पी एफ माइनस वी आई ओवर टी। बताइए ये क्या चीज है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी क्या पढ़ा था हमने, एक्सेलरेशन ही है, रेट ऑफ क्या पढ़ते हैं इसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये क्या चीज है, एक्सेलरेशन है, तो इसे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां मैं करता हूं, तो बेटे लेफ्ट साइड क्या बनेगी, लेफ्ट साइड अपनी जगह पे वैसे की वैसी पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, राइट साइड पे क्या आ जाएगा, एम, और इस सारी चीज की जगह क्या आ जाएगा, ए। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, राइट साइड को जरा गौर से देखिए, एम ए क्या है, न्यूटन ने क्या बताया था सेकंड लॉ में, एम ए क्या होता है, फोर्स, अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होती है, एम ए के। इसका मतलब इस इक्वेशन में जो एम ए है वो बेसिकली किसके बराबर है, फोर्स के, ये फोर्स ही है। तो क्या करूं, एम ए की जगह क्या दर्ज कर दूं, इक्वेशन नंबर 4 में न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक जहां भी एम ए लिखा होगा वहां क्या लिख सकते हैं हम, एफ। तो इक्वेशन नंबर 4 की नई शक्ल क्या बन जाएगी, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ। अब पढ़िए जरा टॉपिक की हेडिंग, फोर्स एंड द मोमेंटम। एक साइड पे हमें क्या दिख रही है, फोर्स, दूसरी साइड पे क्या दिख रहा है, इसको जरा सीधा कर लें, इस तरह लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। लेकिन मोमेंटम नहीं है सिर्फ, बटे में टाइम भी है और दरमियान में माइनस भी है, इसे क्या रीड करते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे कैसे पढ़ेंगे इस इक्वेशन को। बेटे याद रहे, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगती है, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो उस फोर्स के नतीजे में क्या चीज चेंज होती है, मोमेंटम चेंज होता है। फोर्स के लगने में हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन पैदा होता है, यही बताया था न्यूटन ने, जब भी किसी जिस्म पे फोर्स लगती है तो उसमें क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन। और वो फोर्स किसके बराबर है, रेट ऑफ, इसे क्या पढ़ेंगे आप बताइए, जैसे इसे पढ़ा था क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसे क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसे रीड करना है इसे। और ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू फोर्स। न्यूटन का जो दूसरा कानून है उसकी ये स्टेटमेंट भी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर हो करता है, फोर्स के। इसी तरह हमने न्यूटन का ये भी पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स किसके बराबर होती है, एम ए के। यहां से हमने निकाल लिया कि जब भी किसी जिस्म पे फोर्स लगती है तो वो फोर्स क्या पैदा करती है, एक्सेलरेशन। और क्या करती है जी, तो पढ़ लीजिए इस कानून की स्टेटमेंट, फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का ताल्लुक क्या बता रहा है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी। जब भी किसी जिस्म पे फोर्स लगेगी तो उसमें क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा, एंड विल बी इक्वल टू, और ये एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। और वो एक्सेलरेशन क्या करेगा, वो एक्सेलरेशन क्या करेगा, वो अप्लाइड फोर्स क्या करेगी, बॉडी के, बॉडी की किस में चेंज लाएगी, मोमेंटम में तब्दीली लाएगी, मोमेंटम में चेंज लाएगी, मोमेंटम उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये है फोर्स एंड द मोमेंटम। अब आइए इसको समझने के लिए, अच्छा चलिए यहां से फोर्स का यूनिट वही निकलता जो हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन, यहां से भी फोर्स का यूनिट क्या निकलेगा, न्यूटन। कैसे बेटे, मोमेंटम का यूनिट क्या पड़ा है, न्यूटन सेकंड, टाइम का नीचे क्या होगा, सेकंड, तो कट के क्या आ जाएगा फिर से,
न्यूटन ही। इस फार्मूले से फोर्स का यूनिट निकालिए या इस फार्मूले से फोर्स का यूनिट निकालिए, वही आएगा जो हमने पढ़ा हुआ, न्यूटन। अच्छा अब जरा बताइए ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ अप्लाई होता है? कभी देखा ये शीशे के बर्तन, शीशे की चीजें, या ये जो सैनिटरी का सामान है, कमबोर्ड वगैरह, ये बड़े जो बड़े हसास चीजें होती हैं, इनको जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, देखा जब इन चीजों को लेके आया जाता है, भेजा जाता है, तो इनकी साइडों पे इनको कवर कैसे किया जाता है? एयर बैग्स, फोम्स होते हैं, होते कि नहीं होते? फोम्स और एयर बैग्स, क्या फायदा उनका? फोम्स और एयर बैग्स का, कप्स, शीशे के कप हों, चीनी के कप हों, चीनी के बर्तन हो, चीनी का सामान हो, ये पत्थर ट्रांसपोर्ट करना हो, तो क्या किया जाता है? फ्रजाइल मटेरियल जिनको थोड़ी सी फोर्स से टूट जाए, उनको महफूज रखने के लिए क्या किया जाता है? उनके फोम लगाए जाते हैं, एयर बैग्स लगाए जाते हैं। अक्सर आप बच्चे क्या करते हैं, दबाते भी हैं, आवाजें निकल, एयर बैग्स क्यों लगाए जाते हैं? ताकि क्या हो, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता टकराव भी हो, झटका लगे, जम पाए, तो क्या होगा? ये जो एयर बैग हैं ये क्या करेंगे? बाहर की फोर्स को अंदर पहुंचने में टाइम ज्यादा लगा देंगे, और उसका नतीजा क्या निकलेगा? मोमेंटम क्या मिलेगा? थोड़ा मिलेगा, चीज बच जाएगी। याद देखिए जरा, इस ये कानून क्या बता रहा है कि जब बेटे फोर्स अंदर पहुंचनी है, अगर उस फोर्स के पहुंचने में टाइम क्या लग गया? ज्यादा। तो बटे में टाइम ज्यादा होने का क्या मतलब है? जिस भी चीज के बटे में टाइम, जिस भी चीज के बटे में कीमत बढ़ी हो, उसका आंसर छोटा आता बड़ा आता है। बटे में जब कीमत बढ़ी करते जाए, 100 के बटे में पहले 2 आ रहा था, तो आंसर क्या आएगा? 50। लेकिन उसी 100 के बटे में 50 आए, तो आंसर क्या आता है? इसका मतलब डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बढ़ी करते जाए, फोर्स को पहुंचने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा उन चीजों तक, फोर्स की मकदार क्या हो जाएगी? कम, और वो चीजें महफूज रहेंगी। इसी तरह देखा जी, खुदा ना खास्ता तेज रफ्तार गाड़ी जाके टकराए, एक्सीडेंट हो, तो अगर तो उसने सीट बेल्ट नहीं बांधी, अगर तो उस गाड़ी के अंदर एयर बैग नहीं है, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आप उठ के ड्राइवर क्या लगेगा? विंडस्क्रीन पे लगेगा, और डेथ भी हो सकती है, ऐसा है कि नहीं? लेकिन कभी गौर किया, गाड़ी का जो फ्रेम होता है वो बड़ा मजबूत बनाया जाता है। इसके अलावा क्या रेफर किया जाता है कि सीट बेल्ट बांधे? क्या फायदा है इसका कि खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो भी जाए, तो बेटे एक्सीडेंट के नतीजे में जो फोर्स आप तक पहुंचनी है, सीट बेल्ट और गाड़ी का फ्रेम उस फोर्स को पहुंचने में वक्त क्या लगा देगा? ज्यादा। और जब वक्त ज्यादा लगेगा, तो ऑटोमेटिकली फोर्स का जवाब क्या आएगा? थोड़ा, और हम बच जाएंगे। हेलमेट क्यों वेयर करते हैं कि जब खुदा ना खास्ता जाके टकराएं, सर और रोड के दरमियान क्या मौजूद होगा? हेलमेट उस फोर्स को हमारे सर तक पहुंचने में वक्त क्या लगा देगा? और जब वक्त ज्यादा हो जाता है, तो फोर्स का असर क्या हो जाता है? आपके सामने ही है। जब वक्त ज्यादा हो जाएगा, ये फैक्टर बटे में वक्त ज्यादा हो जाएगा, तो फोर्स का जवाब क्या आएगा? थोड़ा, और हम महफूज रहेंगे। ये है बेटे फोर्स एंड मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। फोर्स और मोमेंटम कैसे एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखती है, ठीक है जी? मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। नेक्स्ट अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हम कल हाजिर होंगे। शुक्रिया।